पढ़ना बंद करो। 1.5 साल में 100 से ज्यादा बुक्स पढ़ने के बाद ये बात मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपको बुक्स पढ़ना बंद करना पड़ेगा अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैं इतनी आसानी से ये बात कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि कई अमीर लोग बोलते हैं कि बुक्स पढ़ना चाहिए, यहाँ तक कि गीगल और सीकन जैसे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हमें बार बार मोटिवेट करते हैं बुक्स पढ़ने के लिए। तो मैं एक छोटा सा चैनल लेके इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, तो ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, वो मैं आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। सिंपल सी बात यह है कि अगर कोई हमसे बोलता है कि अमीर बनने के लिए ये करना है तो हम वो करने लगते हैं बिना कुछ सोचे समझे। हमें सिर्फ इतना पता है कि बुक्स पढ़ने से अमीर बना जाता है, हम इसके पीछे की कहानी नहीं देख रहे। आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अमीर कैसे बनना है, लेकिन आप तब तक अमीर नहीं बन सकते जब तक आप उस रोड मैप को फॉलो नहीं करोगे। मैंने 100 से ज़्यादा बुक्स पढ़ी तो थी, लेकिन उनमें से एक भी मेथड को अप्लाई नहीं किया था। मेरे पास एक रुपए की सेविंग नहीं थी, ना मैं पैसा कमाता था। उसके बाद भी मैंने इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बुक्स पढ़ी जो कि बहुत गलत था। सिंपल सी बात यह है कि 2 महीने से जब मैं बुक समरी अपलोड नहीं कर रहा था, उस टाइम पे भी मैं बुक्स पढ़ रहा था बट मैंने समरी अपलोड नहीं की। पिछले 2 महीने से मैं एक जॉब कर रहा हूँ और उस जॉब को करने के बाद मेरे को पता चला है कि सेविंग्स करना कितना डिफिकल्ट होता है। इससे पहले मैंने बहुत से वीडियो में कहा था कि आप इस तरीके से सेव कर सकते हो, बहुत ही ईजी मैटर है, ये कर सकते हो वो कर सकते हो, लेकिन जब मैंने उसको अपनी लाइफ में अप्लाई किया तो मुझे बहुत डिफिकल्टी हुई। बट ऐसा नहीं है कि वो अप्लाई नहीं हो पाया, मैंने सेविंग्स की है। अगर आपसे कोई कह रहा है कि बुक्स पढ़ने से आप अमीर बनते हैं, तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि नहीं, आप बुक्स पढ़ने से अमीर नहीं बनते हैं। बुक्स में जो बातें लिखी होती है उन बातों को फॉलो करने से आप अमीर बनते हैं, और ये बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन इसको समझना उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। मैं आपसे सिंपल सी बात कहता हूँ, या तो आप एक बुक पूरी समझ लो या आप 100 बुक का आधा आधा पेज समझो। दोनों में आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज उस बुक से मिलेगा जिसको आपने पूरा ठीक तरीके से समझ के अपनी लाइफ में अप्लाई किया है। तो ज़्यादा बुक्स पढ़ने के पीछे मत भागो, हमेशा क्वालिटी ही मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। तो आज के इस छोटे से वीडियो में बस मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ कि क्वांटिटी के पीछे मत भागो, क्वालिटी के पीछे भागो। बुक्स पढ़ने से अमीर नहीं होगे, बुक्स की बातें अपनी लाइफ में अप्लाई करने से अमीर होगे।